देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोवर्धन थाना प्रभारी निरीक्षक समेत सर्विस लाइंस एसओजी स्वाट टीम के करीब दो दर्जन पुलिस कर्मियों की सौक रोड से महमदपुर तिराहे पर डी रोड पर तड़के सुबह मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर छोड़ दो अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर निरीक्षक नितिन कसाना के आदेशानुसार निरीक्षक सोनू कुमार, उप निरीक्षक राजवीर सिंह, कांस्टेबल सोनू भाटी ने अपने सरकारी पिस्टल से एक रौंद जवाबी फायरिंग की। इस दौरान किसी बदमाश के कराने की आवाज आई। इसे सुनकर सीज फायर का आदेश देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके पास जाकर देखा गया तो मनसुख पुत्र खूबी राम निवासी गांव जाटौरी थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान के पैर की पिडली में गोली लगने से वो घायल पड़ा था। इसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 250 रुपए नकद मिले। तभी उप निरीक्षक हरेंद्र मलिक, कांस्टेबल नितिन कुमार और अनुज कुमार ने आकर बताया कि भागे हुए जिस बदमाश का पीछा कर रहे थे वो अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की बुलेट, मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर और कारतूस समेत 250 रुपए की नकदी बरामद की गई है। गोवर्धन से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।